हेलो दोस्तों, बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो देखिए, आज मार्केट तो ज़्यादा रेंज में रहा नहीं है, ब्रेकआउट भी खास मिला नहीं हमको। तो हमने जो है मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला। देखिए, हमने यहाँ पे बाइंग रखी थी अपनी, तो यहाँ सीधा यहाँ पे जो है मार्केट अपडेट कर रहा था, तो मुझे यहाँ पे जो है होल्ड जो है अपना एग्जिट करना पड़ा। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, 1,000 रुपये प्रॉफिट के साथ यहाँ पे एग्जिट हो गया हमें। 1,000 प्रॉफिट होने के बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया था, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा। जैसे यहाँ से एक रिजेक्शन आया था, तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे रिजेक्शन हमें फिर से मिल सकता है। रिजेक्शन तो नहीं मिला, लेकिन ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा हो गया, फिर ट्रेड हो गया। फिर अपट्रेड होने के बाद इधर जो हमारे पास एक रिजेक्शन लेवल था, तो यहाँ से रिजेक्शन होते ही यहाँ से जो है मार्केट डाउन ट्रेड में आ गया। डाउन ट्रेड आते ही जो हमने यहाँ पे एक फिर से जो है बाइंग सिनेरियो रखा, तो यहाँ पे हमारा एक क्वांटिटी पे 50-60 रुपये मिल गया। तीन क्वांटिटी बाई थी तो 150 रुपये आराम से आ गए। तो यहाँ पे प्रोग्रेस तो हमारा निकल गया। ठीक है, बात करते हैं अगले यानी कि कल एक्सपायरी का मार्केट कहाँ पे जा सकता है। देखिए, मार्केट जो है यहाँ किससे अगर गैप ओपन होती है, तो मार्केट जो हमारा इतनी रेंज में रहेगा अपसाइड में। 41,200 के आसपास हमारा जो है टारगेट रहेगा। 41 से हमारा जो है गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। लेकिन मार्केट यहाँ से जो है सेलिंग साइड में आता है, तो हमारा टारगेट रहेगा 40,800 तक। 40,800 तक हमारे रहेगा, और इसके नीचे आता है तो हमारा फिर से सेलिंग साइड बनता है। तो यही हमारे बैंक निफ्टी के बारे में आज का सिनेरियो है। अगर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।